हाँ तो गाइस, इस वीडियो में हम सब सीखने वाले हैं कि अगर गूगल प्ले सर्विस आपका डीएक्टिवेट है तो उसको एक्टिवेट किस तरह किया जाता है। तो सिंपली आपको करना क्या है कि हमें जाना होगा सबसे पहले सेटिंग में। तो हम सेटिंग में चलते हैं, तो मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ मैन्युअली, और हम सेटिंग को ओपन कर लेंगे। तो यहाँ हमारी इधर सेटिंग है, तो सेटिंग को हम ओपन कर लेंगे। सेटिंग को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर एप्स देखने को मिल जाएगा, एप्स या आपके मोबाइल में ऐप मैनेजर भी के नाम से भी हो सकता है ये फोल्डर। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना सिंपली, और यहाँ पर क्लिक करने के बाद सारी एप्लीकेशन जितनी भी इंस्टॉल है आपके मोबाइल में सारी की सारी आप यहाँ आ जाएगी, शो होगी। तो आपको ढूंढ लेना है यहाँ पर प्ले गूगल प्ले सर्विस। तो जैसे कि आप देख सकते हैं गूगल प्ले स्टोर और उसके ऊपर है गूगल प्ले सर्विस, तो उसको आपको क्लिक करना है यहाँ पर। यहाँ क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं मेरा जो गूगल प्ले सर्विस है वो इनेबल है। आपका अगर डिसेबल हो तो यहाँ जो लिखा हुआ रहा है डिसेबल, इसकी जगह यहाँ पर आपका इनेबल लिखा हुआ आएगा। तो वहाँ पर सिंपली आपको क्लिक कर देना है, जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपका इनेबल हो जाएगा, यानी डीएक्टिवेट होगा तो एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। और इसको अनइंस्टॉल करना है इसका, तो ऊपर तीन डॉट सब क्लिक करके अनइंस्टॉल अपडेट कर सकते हो, इसका अपडेट भी अनइंस्टॉल हो जाएगा यहाँ से। तो सिंपली आप सीख गए होंगे, इसका यदि कुछ कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। हाँ गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और ऐसे ही टेक्निकल टिप्स पाने के लिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो जो बिल्कुल फ्री है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जब तक के लिए बाय।